మేల ఆਉਣ ది పహలా ఫిర్ గాం బాజ్ తకి సైడ్ మాగ్ లగేగి యే నిహి మేరా తకి సైడ్ మాగ్ లగేగి ఫిర్ కిtte బి ఆగ్ లగ్ జందె లగ్తీ దె బోత్ బోత్ ఆగ్ యానే దేఖ్ దియే మేరా దేఖ్ దియే మేరా ఆజ్ దియే దేఖ్ దియే దేఖ్ జా ఆత్ని దేఖయాన్ ఖడా సుధా ఆత్ని దేఖయాన్ బుదా దేంగే కీ బె చాకి దల్గి టూన్ బి జల్ గయా మిర్చ్ దల్గి గల్ అచ్చా మిర్చ్ బి జల్ గీ గల్ सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम साथियों फिलहाल है गांव गांव राजस्थान का है, का है जिले और आप देखोगे कि आपना देखो कितने आप आग लाग है अपने आप है, मतलब सारे बैठे हैं और बात करें तो तीन मौत घर में और सेम मौत हो बताया जा रहा है जिसे गांव वाले बैठे हैं और लगातार वीडियो में भी देखा गया है कि जो मौत है तीन मौत हुई है पहले लड़के की माँ की मौत हो गया है खून की उल्टी आकर है उसके बाद चार साल का लड़का है चौदह दिन के बाद उसकी मौत हो गया है ऐसे ही सेम उल्टी आकर और उसके बाद आठ साल के लड़के की मौत हो जाए तो आप देखोगे गांव वाले भी देख आ रहे हैं अड़ पैरा भी दे बैठे भी रहे हैं आप गांव से ही हो सारे हम तो नून से आए कहाँ से आए हो गांव से देखने आए हो देखने आए अच्छा मतलब तो ये कितने दिन हो गए लगते ये आठ दस दिन हो गए लगते तो और वैसे एक जनवरी से चल रहा है से हाँ बूढ़ी मरी उसके बाद एक चार साल का लड़का मरा उसके बाद एक आठ साल का मरा तो। हम तो फोन पर सुन के तो आ रहे आप सारे देखने आ रहे हो तो यहाँ पे गांव का भी है कोई तो गांव का मैसली गांव के भी हड़ है तो ये भी सारे देखने आ रहे हैं तो मतलब सारे बार के गांव से देखने आ रहे हो आज ही आए हो मतलब देखो एक ऐसी अचरज की बात है कि दूर तो ही लोग देखना लाग रहे हैं भी ओके रहा है राम राम जी तो ये सारे के सारे देख आ रहे हैं नून आप देखोगे यो घर है जिसमें आग लग गया है जिसमें तीन मौत होली है तो ऐसा जब कि अपने आप आग लग जा आप देखोगे तो इनका सारा सामान भी बाहर पड़ा है देखोगे देखने की लाइन लाग रही है चगर दे मोटरसाइकिल खड़ी है गाडी खड़ी है क्योंकि ये सारे बाहर तारे है किसी ने ऐसी चीज देखी नहीं भी अपने आप आग लग जाए ऐसा की सिस्टम है कि अपने आप आग लग गया है तो एक बारी अंदर चल का आपने दिखा भी दे है एक ताऊ भी आ रहा है राम राम तऊ राम राम तऊ राम राम क्या नाम है तऊ रसी इसी गांव के हो ना झाड़ू का बास का देख आए हो हाँ कितनी उम्र होगी उम्र होगी नब्बे साल नब्बे साल होगी तो पहले ऐसे देखे आप नाग लगते कौन देखा कौन देखा पहले चांस है पहला चांस है अच्छा तो क्या देखा अड़ा है पास है अड़ा का क्या देखा है जो बड़े ओडो सो दो देखे और के देखा तो के बुझे था आपने देख जल रहा जल रहा सारा सौदा हाँ। अच्छा देख लिया तो तौ भी है जो देख आ रहा है आपने एक बार दिखा दे कि घर का जो पूरा का पूरा सामान है वो सारा बाहर गिर रखा है क्योंकि घर के सारे सामान में आग लगे कि एक चीज़ आपने दिखा भी दे या देखो ये सारी चीजा मैं आग लग गई अपने दिखेगी ये सारे के सारे जो गुदड़े हैं कपड़े हैं सारे जल रहे हैं इधर दे भी देखो ये के सारे के सारे जल रहे, है, सारे रहे हैं सारे बाहर डाल रखे हैं थोड़ा देखने की भी वो लग रही है थोड़ा आदमी मतलब सारे जन बैठे हैं अच्छा एक मिनट राम राम जी तो मतलब ये इसलिए बैठे हैं हड़ पैरा देने खातर पैरा जी गाम है गाम राम है बैठे है अपने परिवार के साथ में आज, के साथ। आज तो आज तो अग्नि कम है अच्छा। दो दिन तक कम हो रही है नहीं तो आड़े हजार हजार आदमी आपने ना देख दे को नहीं चारों तरफ घर का गांव का पैरा पैरा है उसके बाद भी आग लग जाए आग तो बुझो है ना बहुत खतरनाक लग है लगे की है अच्छा। बहुत जोरदार आप कहाँ से हो मैं नजदीकी गांव है राजगढ़ रहे हाँ मेरे नहीं देखने नहीं आया मैं इसी परिवार का सदस्य हूँ मेरे दोस्त है घटना अच्छा। हाँ, हुई तब से हम यही है घटना मतलब उनका नाम भूप सिंह है घर में कौन कौन है भाई? सदस्य जी। अच्छा। हाँ, एक भूप सिंह की माता जी है वाइफ है और भूप सिंह खुद है जो डेथ हुई उसकी माता जी की डेथ हुई शुरू सिंह की दादी की डेथ हुई थी हाँ जी और उसके बाद दो बच्चे जो एक्सपायर हुए दो बच्चे भूप सिंह के एक साढ़े आठ साल का था और एक चार साढ़े चार, चार साल का दो ही बच्चे थे हाँ दो ही बच्चे थे जी अच्छा पहले दादी की हुई थी पहला दादी की हुई थी जी कौन सा कराया बूढ़ा आदमी थे हाँ, कोई बात नहीं फिर छोटे बच्चे की हुई उसका है कोई बीमारी आ गई हो मौत हो गई हो हार्ट होगी हो सेम वाई मौत फिर बड़े लड़के की हुआ है फिर परिवार भी टेंशन में आया कर भी किसका के था परिवार फिर भी दिन करने पड़े भाई चलो भगवान का दुख लिखेड़ा था हो गया फिर दो तीन दिन के बाद में पत्थराने हुए पत्थर आने शुरू होना है अद खो अद खोरे आए अध अच्छा। खोरे पड़े करना तीन चार जगह लागे दो तीन दिन फिर ये कांड शुरू होया लागना शुरू होया जी उस दिन त तो बस पुस्स ना पाँच छः दिन तो लगातार इतना खतरनाक लग गई लागी लग गई गां बुझाण्दा बुजाणद्द दाप लिंदा इतना आग लग सारा सामान पढ़िया है इतना तो बाहर फेंकिया है इतना ही पढ़िया है इतन पर पहनने कपड़े कुन बचरे नाम के जी। मेरा नाम नरेंद्र सांग्र जी नरेंद्र जी ये बताओ जैसे कह खून की उल्टी, आने से 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 की उल्टी नहीं जी। जैसे डाउन हो है जी अपने गाड़ी में चालन तो उल्टी उल्टी में इतनी आओ जी हम सहन नहीं कर सकते अच्छा। जैसे एल्ड्रिंक पीले एल्ड से भी ज्यादा नॉर्मल उल्टी नॉर्मल उल्टी जी वो रिपोर्ट फिर डॉक्टर दो गए सार ले गए चार चार पांच पांच हॉस्पिटल अलग अलग हॉस्पिटल दूर करने खातर रिपोर्ट कराई नेल कुछ भी नहीं और जैसे अब दो लड़के आप बता रहे हो चार साल का पहले फिर आठ साल का लड़का एक्सपायर तो करवाया करवाया जी नहीं कुछ।, कुछ भी बताया नहीं तो बीमारी हो तो ही तो मिलेगा कि सहेगा डॉक्टर बोले इसकी बीमारी नहीं है करेंगे कुछ नहीं बस ऐसे अचानक फिर एक बार वो ऐसे देखेगा फिर हाथ हाथ पैर ही लाएगा

आप सब की दुआ से अच्छा सब तो मतलब देखो यहाँ पे मतलब पुलिस प्रशासन भी आया होगा सारा कुछ आया जी अच्छा। पुलिस प्रशासन तो बस आपने के बताऊ आप पर हरियाणा आए हो बहुत निकम्मा था अच्छा। लोगों ने आवाज उठाई सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पत्रकारों के माध्यम से पुलिस प्रशासन तो इसने यो अलग तरीके त ले रही थी अच्छा। वही ऐसा हो ही नहीं सकता तहसीलदार जी आए तहसीलदार जी के सामने जब इनके दादाजी हैं यहीं पर यहीं की बात है दादाजी को बुलाया आप पत्रकार साथी ने कि दादाजी आओ आपका इंटरव्यू लेंगे तहसीलदार जी यहाँ खड़े थे तहसीलदार जी बोले ऐसा हो नहीं सकता तहसीलदार जी के सामने दादाजी की पहनी हुई जैकेट को आग लग गई थी अच्छा। हाँ। तहसीलदार रिएक्शन बोला जी ऐसे कैसे हो सकता है तीन बार तहसीलदार जी यहाँ रहे थे पंद्रह मिनट तीन बार आग लगी थी तहसीलदार जी घबरा गए ऐसा क्या हो रहा है तहसीलदार जी ने किसी को ये भी नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ बोले पकड़े कान मैंने ऐसे मेरी जिंदगी में नौकरी देख ली हमारे थाना अधिकारी वो भी नहीं मान रहे थे कल एस जी आए थे एस साहब बोले कि हो सकता है यहाँ कि मैं आप कर दे हो। तो भूप सिंह भाई ने पड़ोसी घर में ले गए पड़ोसी घर में ले गए तो भूप सिंह भाई का उड़े भी आग लग गई अच्छा। ये डर था चलो कि मैं हो सका है रिश्तेदार घर ने किमें दिक्कत हो रही हो है गाँव में कि किमी दिक्कत हो रही हो है अदर स्टेट में भूप सिंह भाई का हरियाणा में ससुराल है हरियाणा में ले गए सेम दिक्कत उड़ाई तन पे कपड़ा पे आग लगन लगी फिर क्यों रिश्तेदार अड़गाम राम है उड़े क्यों रिश्तेदार दुखी गाया फिर वो घर ना आ गया तो मतलब फोरेंसिक टीम वगैरह आई जो टेस्ट वगैरह जी नॉर्मल रिपोर्ट कुछ भी नहीं है अच्छा फिर भी श्या साहब नहीं मान रहे थे मैं नहीं मानता श्या साहब को भाई अब कैसे मनाया आपको बोले इन चीजें होती नहीं है श्या साहब के सामने चार बार आग लग गई नहीं मानता तो फिर मैं श्या साहब को एक ही बात कही आप एक काम करो भूप सिंह का एक जोड़ी कपड़ा लेके आओ आपने डाउट लगा फोरेंसिक टीम साहब एक मकान में या आपका जड़ा इंसा हुआ है घरना है उड़े चेकअप करा लियो भाई फॉरेंसिक टीम ने आ रहा केमिकल वगैरह वगैरह तो नहीं है मिट्टी के सैंपल लिए सारा कुछ चेक करा लिया फिर बोले फिर क्या हो जाएगा वो क्या जाएगा आप कपड़े पहनाओ आपको ये भी लगता है कि धूप सिंह ने तन पे कुछ लगा रखा हो आप बढ़िया से बढ़िया सेम्पू से साबण से धूप सिंह को नहला लेना एक मिनट पहनाना सरटे उसके बाद में आप उस शर्ट ने और एक शर्ट आपके लिए लेना साथ में शायद साहब को ये भी बताया था दोनों को साथ में एक दूसरे के ऊपर पहना लेना शर्ट ने

इस परिवार की वह कंडीशन थी आप उस टाइम में आ जाएंगे तो आपने रोना आ हालत इस परिवार की होगी पूरा गांव राम ट्रैक्टर चारों तरफ से गांव में जिसका दौरा जिसका भी ट्रैक्टर था ट्रैक्टर लेके चारों तरफ पहला आग का पता चल जाता आग लगने पहला जिस तरह आप वन कराव उस अजीब सी स्मेल आवे उस तरह स्मेल आने दी पहला फिर गांव बाज किस साइड में आग लगेगी ये नहीं बेहतर था किस साइड में आग लगेगी फिर कितने भी आग लग जाती लागती तो बहुत बार बार माँ आ गई मौके भाग लगती देखी कितनी जी पचास साठ बार तो मैं भी बुझा चुके मेरी तो आंगुड़ी भी बढ़ रही है इस गांव का कोई सदस्य ही नहीं होगा जिसने आग नहीं बुझाई हो मतलब गांव में चीज पहली बार हुई है सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे जी पहले अग्निकांड हुआ था अच्छा। उसे दिन लगवाया नहीं पहले दिन, पहले, दिन पहले, दिन पहले दिन दिन हुआ, हुआ था भाई ये डर था कोई करदा होगा सीसीटीवी कैमरा लगवाया जस्ट पांच मिनट बाद में ये डीवीडी डी बढ़ गई इनकी सीसीटीवी कैमरे की हाँ उसमें भी आग लग गई डीवीआर पूरा जड़ के राख हो गया

तो तो मतलब थोड़ा बताओ इसके बारे में आपकी भी इतनी होगी तो हो तो तो पहले पहले का देर जिंदगी में में कौन देखा सब की जो देखुण, देखुण, तो वो देख अच्छा अच्छा पे जो है देख किस प्रकार ये मिनट मिनट टांग आ जाओ पा, पाँच बाद मतलब है? ये खाली खाली ये मकान है ना ये मकान है ना इसमें नहीं लगी हा, है हाँ हाँ चाकी चाकी जल गई चून भी जल गया मिर्च जल गई कल मिर्च भी जल गई कल तो जैसे अभी खुले में कपड़े पड़े हैं जले हुए तो इनमें ऐसे लग रही है खुले में हाँ चौरासी हजार लाइन दादाजी है भूप सिंह के

तिरकी पिलानी रोटी खाई गई से शांत पिलाानी रोटी देने मना रहा सामने खत्म हो गई उम्र हो आ, हाँ। रही थी अस्सी साल तो हो रही होगी बडेरी थी जो दुखावा मोह ये बात होगी फिर वो बच्चा चलता रहा है वो नहीं करोग छोटो बच्चो हो साढ़े चार साल को आज वो पिलानी दवाई मेरे कड़े दवाई लेके आए रोटी खाओ

और ये, ये रोता हुआ कौन नहीं, किसी कौन की? नहीं। लड़का तो खत्म हो गया तो दूसरा लड़का है रामपुरा के पास में वहां पर आया न्यू पहले वाले लड़के है ना वैसी हालत दूसरी की हुई है हम पिलानी ले गया पिलानी थे कौन गया उसको पूछा कि तेरे दुख है न्यूलो की मैं कौन दुख है दादा मेरू मंदा दुख है कर दो न्यूल की में कौन दुख मेरो मैं तू न्यू क्यू करे है जि न्यू लिया पे है। वो है पाछे उड़े है वो डॉक्टर है पाछे वो आधे घंटे बाद में मन सांस लू जो है जोरा वो है उड़ते डॉक्टर जाओ उड़ कर ले जाओ शिवानी करने नशी है ना मारहा बोल दो गए हो लड़को बिल्कुल कौन के भाई कोई से आओगो कोई से आओगो और एकदम में है ना जितना मानी टब्बर ने भीचना है ना अपनी जित वो मुरोड़ी खा है ना इतना एकदम में मे एंबुलेंस में तो तो यही हिसाब से कोई मान लिया देख रहे हो और बाद में उनको दिमाग है बिल्कुल काम करना हाथ पग कम से कम चार घंटा उन्हें हाथ पग मारे हैं उन छः सात हॉस्पिटल आम है उनका जो टिक्को ला जितना रिलैक्स हो जाए वो जीरो पॉइंट पाँच को लगाए थे उनका तीन एम एल तक टिक्को लगा दिए थो लेकिन वो कोई रिलैक्स को नहीं हुए बाद में कौन क्या शिवाणी का वाणी कौन इसकी बहन बारे मंजूर नहीं हो तुम जब पुल आओ तो एम्बुलेंस में हमें ले आज शिवाणी का निकल गई वो खत्म हो गया

देखो ये है भूप सिंह जिनके घर में मतलब इस प्रकार की घटना हो रही है बार बार आग लग रही है पत्थर भी आए हैं बताए हैं तो पूरा गांव आप देखोगे टेंट लगा के यहाँ पे पहरेदारी के लिए बैठे हैं तो एक बार आपने अंदर भी दिखाओगे